हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में, जिसके अंदर आप देखने वाले हैं इंटीजर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आना चाहिए कि एक्चुअल में इंटीजर्स होते क्या हैं। देखिए, मैंने बताया है इससे पहले भी कि जो इंटीजर्स होते हैं, इनका मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हों और नेगेटिव नंबर्स भी आते हों, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि इंटीजर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर -5, -4, -2 इन सब की बात करें, या फिर प्लस का 9 या प्लस का 12 अगर इनकी बात करें, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ये तो बात हो गई इंटीजर्स की, लेकिन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ये भी जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 1 से लेकर के 5 तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस के हमें लिखने हैं अपोजिट्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज द वेट। अब इंक्रीज द वेट का मतलब ये हुआ कि आपको अगर इसका अपोजिट लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज द वेट। इसका मतलब होगा आपको लिखना होगा डिक्रीज द वेट। तो सब चलिए शुरू करते हैं और वन बाय वन इन सबके आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आंसर होगा वो होगा डिक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट लिखा हुआ है तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज। तो आप लिखेंगे यहां पे डिक्रीज, डिक्रीज इन वेट। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, यहां पे लिखा हुआ है 30 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। तो आप लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 किलोमीटर साउथ। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपोजिट की, तो यहाँ पे 80 मीटर ईस्ट लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे 80 मीटर वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ 700। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 700। अपोजिट लिखना है केवल, तो लॉस का जो अपोजिट होगा वो होगा प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 700। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर ई के बारे में, तो यहाँ पे एवोव लिखा हुआ है जो कि 80 लेवल से एवोव लिखा हुआ है, 100 मीटर एवोव सी लेवल। तो आप लिखेंगे एवोव का मतलब होता है ऊपर की तरफ, तो बिलो लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे 100 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये अपोजिट्स वर्क कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, कि यहाँ पे किस तरीके से हमें अप्रोप्रिएट साइंस में लिखना है। देखिए, अगर कोई चीज़ बढ़ रही होगी तो वहाँ पे हम प्लस के साइन से शो करेंगे, कोई चीज़ कम हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, तो वहाँ पे हम माइनस के साइन से शो करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लेते हैं और इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट करना है इन सबको इंटीजर्स के फॉर्मेट में अप्रोप्रिएट साइन के साथ। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर ए है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर एवव द ग्राउंड। ग्राउंड से 2000 जो मीटर है वो ऊपर है, और ऊपर है यानी कि प्लस का साइन लगाना होगा हमें। तो हम लिख देंगे 2000 मीटर्स और उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। यानी कि हम लगाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस का साइन, क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और 2000 मीटर यहाँ पे आपको लिखना होगा। 2000 मीटर मीटर एवव है 2000 मीटर्स। ये तो बात हो गई एरोप्लेन की। अब हम दूसरा देखते हैं सबमरीन। सबमरीन का मतलब होता है जो पनडुब्बी होती है, उन्हें सबमरीन कहते हैं हम। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है बी वाला, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए, सबमरीन मूविंग द डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से नीचे की तरफ जा रहे, यानी कि वो निगेटिव में नंबर्स होगा हमारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो माइनस, और यहाँ पे हम लिख देंगे 800 मीटर की बात हो रही है, तो -800 मीटर्स। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर सी के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं अ डिपॉजिट ऑफ
डिपॉजिट ऑफ ₹200, 200 का डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि आपके खाते में वो चीज जमा हो रहे हैं, विड्रॉवल नहीं हो रहे हैं, तो वो प्लस है, तो हम प्लस का लिखेंगे यहाँ पे साइन, और यहाँ पे लिखेंगे 200 रुपीज। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करें तो विड्रॉवल हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, 700 रुपीज माइनस हो रहा है, तो 700 रुपीज यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और उसे देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें हमें रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करिए कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है और इसी नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं नंबर्स को। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन हो गई है और यहाँ पे सपोज करिए कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों ही टाइप्स के नंबर्स दिए जा रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल इसके मिडिल में 0 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 और एंड 2, यहाँ पे 3, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस के 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3 और इसी तरीके से माइनस 4 और माइनस 5। आप देख पा रहे हैं ये नंबर लाइन में कुछ इस तरीके के नंबर्स हैं। हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है प्लस के 5 को, तो ये हमारा प्लस का 5 है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाले को, बी वाले को। तो बी वाले के अंदर भी हम सेम इसी तरीके से करने वाले हैं। यहाँ भी एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन ड्रॉ करने के साथ ही इसको हम रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि एक नंबर लाइन होगी और इसी नंबर लाइन के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा कम्प्लीटली, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 0 जो कि माइनस में नंबर चाहिए हमारा, तो ये हमने यहाँ पे 0 रख लिया और ये हो गया हमारा -1, ये हो गया -2, ये हमारा -3 और ये -4, -5, -6, -7, ये -8 हो गया और -9, और इसी तरीके से यहाँ की अगर बात करें तो -10, यानी कि ये हमारा -10 है। और इसी तरीके से यहाँ पे 1 होगा, ये 1 होगा और ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये होगा हमारा -10। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया -10 वाले नंबर्स को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक नंबर लाइन की ज़रूरत होने वाली है। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन को ड्रॉ किया है और नंबर लाइन को ड्रॉ करने के साथ ही ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन होने वाला है। तो ये हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है और नंबर लाइन को ड्रॉ करने के साथ यहाँ पे ये 0 है तो हमने इसको 1 मान लिया, इसको 2, ये हो गया हमारा 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, 9 एंड 10। और इसी तरीके से यहाँ पे चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे जो नंबर है ना वो प्लस का 8 दिया हुआ है, प्लस का 8 का मतलब ये हुआ कि ये नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाला है, ये प्लस का 8 है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको -1 पर रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर डी को भी सॉल्व करने के लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को ड्रॉ करने के साथ ही इस लाइन को ड्रॉ करने के साथ ही हम यहाँ पे देख पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। जब आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया है 2 और ये हो गया 3। यहाँ पे देखेंगे तो ये 1, 2 एंड 3। अब देखिए माइनस के नंबर सारे के सारे, -1 आप हमें रिप्रेजेंट करना था ये, तो ये हमारा -1 हो गया जो क्वेश्चन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर ई के अंदर हमें -6 रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ई को भी हम लोग एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है और इसी लाइन के ऊपर अब हम -6 को भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह हम इसको जैसे ही ड्रॉ करेंगे इसमें -6 हमें ड्रॉ करना है। तो -6 ड्रॉ करने के लिए तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा 0,
ये हो गया हमारा -1, -2 और ये -3, ये हो गया -4, -5 और ये हो गया -6। तो ये -6 इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये इसका 1 हो गया प्लस का 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइंस के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। जो भी इन क्वेश्चंस में दिए थे, इन सारे के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये एक दिया हुआ है आपके पास, एक वर्टिकल्स नंबर लाइन है और इसको ऑब्जर्व करना है और हमें बताना है कि पॉइंट डी क्या है, विच पॉइंट -8 पे, वो सारी चीज़ें किस तरीके से हमें समझनी है वो आपको समझना होगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें दी जा रही है। देखिए, अगर हमें देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये दिया जा रहा था कि इफ पॉइंट डी इज +8, अगर हमारा पॉइंट डी है +8 है, देन विच पॉइंट इज -8। तो आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट -8 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखिए, सिंपल सी बात है, ये हमारा प्लस का 8 है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्लस का 7 होगा, ये प्लस का 6 होगा, ये प्लस का 5 होगा, ये प्लस का 4 होगा, ये प्लस का 3 होगा, ये प्लस का 2, प्लस का 1, ओके। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, -9, -10। अब देख रहे हैं -8 पे क्या है, एफ है। तो हम कह सकते हैं कि -8 पे जो भी नंबर होगा वो हमारा होने वाला है एफ। इसी तरीके से तो यहाँ पे आपने देखा कि -8 जो पॉइंट है वो एफ के वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, और बी में हमें ये पूछा जा रहा है कि क्या जो हमारा जी पॉइंट है वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए, जी हमारा है वो कम्प्लीटली नेगेटिव को शो कर रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है वो नेगेटिव इंटीजर को शो कर रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात कर लेते हैं कि राइट इंटीजर्स फॉर बी एंड ई। बी को रिप्रेजेंट करने वाले इंटीजर्स, तो बी को रिप्रेजेंट कर रहा हमारा प्लस का 4, और अगर इसी तरीके से बात की जा रही है ई को रिप्रेजेंट करने वाला, तो आप देख सकते हैं ई को रिप्रेजेंट करने वाले जो हमारे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर भी ई को रिप्रेजेंट करने वाला -10 होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका प्लस का 4 होगा, जो हमारा बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बी को रिप्रेजेंट करने वाला प्लस का 4 होगा, और इसी तरीके से ई को रिप्रेजेंट करने वाला होगा -10। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी के बारे में। क्वेश्चन नंबर डी में हमें दिया हुआ है कि विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लेस्ट वैल्यू। सबसे कम वैल्यू कौन सी है जो मार्क की जा रही है, सबसे कम वैल्यू होती है माइनस की, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस का 10 है। तो -10 है जो कि सबसे लेस्ट वैल्यू है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ई है और आपको पता है -10 सबसे लिस्ट वैल्यू है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ई के बारे में अगर बात करें तो अरेंज ऑल द पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सारे के सारे पॉइंट्स को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना, यानी कि सबसे पहले जो बड़े नंबर्स हैं उन्हें आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो डी है आपका, तो हम लिख देंगे डी, और इसी के साथ सी और बी, ए एंड एच, फिर जी और एफ और फिर ई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें दिया हुआ है टेम्परेचर्स दिए हुए हैं सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर के, 5 प्लेसेस है इंडिया के ऑन पर्टिकुलर डे पे। तो सबसे पहले ये बिलो दिए हुए हैं -10, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग -10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस इसको लिख सकते हैं, जो कि शिमला का टेम्परेचर है, और एवो है ये, तो ये प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस है। अहमदाबाद का, दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस एवो है, तो +20 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो श्रीनगर का दिया हुआ है वो 5 डिग्री सेल्सियस बिलो दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे -5
डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए के बारे में बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है राइट द टेम्परेचर दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के फॉर्म में सारे के सारे हमें टेम्परेचर्स को लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी टेम्परेचर्स यहाँ पे हैं सबको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, वो भी इंटीजर्स के फॉर्मेट में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है रिप्रेजेंट करना है टेम्परेचर्स को डिग्री सेल्सियस में। इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। जित अभी जो आपने देखा कि सियाचिन का इतना है, -10 है, शिमला का इतना है, तो इन सबको इनकी नेमिंग करनी है, ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है इनके ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अगर बी की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि जो चीज़ दी गई है हमें, ऑलरेडी दी हुई है, पहले से दी जा रही है, वो क्या है? वो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। आप देख पा रहे हैं ये हमें टेम्परेचर्स लाइन दी गई है। अब इन टेम्परेचर्स लाइन के ऊपर हमें उन सिटी के नेम प्लॉट करने हैं। तो चलिए सिटी के नेम को प्लॉट करते हैं। हम सबसे पहले अगर आप बात करें सियाचिन ग्लेशियर की, तो सियाचिन ग्लेशियर का है -10, तो हम यहाँ भी -10 दिया हुआ है, वहाँ पे हम लिख देंगे सियाचिन। तो ये जो हमारा -10 है ये कम्प्लीटली सियाचिन का है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सियाचिन, ये सियाचिन है। और इसी तरीके से -10 तो हमारा सियाचिन था, और शिमला का -2 डिग्री सेल्सियस था। तो -2 यानी कि ये हमारा 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। तो ये है हमारा -2 जिसे आप देख पा रहे हैं, और वो है हमारा कम्प्लीटली शिमला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, ये हमारा जो है वो शिमला का है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्लस का 30 जो है वो हमारा अहमदाबाद को शो कर रहा है, तो प्लस का 30 यानी कि ये जो टेम्परेचर है वो हमारा कम्प्लीटली अहमदाबाद को शो करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अहमदाबाद। इसी तरीके से प्लस का 20 जो है वो दिल्ली को शो करेगा, तो प्लस का 20 ये हो गया हमारा दिल्ली को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो -5 है वो श्रीनगर को शो कर रहा है, तो ये है हमारा -5, और ये शो कर रहा है श्रीनगर को। तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना था क्वेश्चन नंबर बी के अंदर, प्लॉट करने थे नेम सिटी के टेम्परेचर के अगेंस्ट। तो हमने नेम को प्लॉट कर दिया है। अब हम बात करते हैं विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, इन सब में से ठंडी जगह कौन सी है। तो ठंडी जगह आप भी देख पा रहे हैं कि सबसे ठंडी है वो है सियाचिन, क्योंकि सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो सबसे ठंडा है, -10। तो हम लिख सकते हैं वो है हमारा सियाचिन, क्योंकि इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से राइट द नेम ऑफ प्लेस वे टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसा जहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा हो, 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, उन सिटीज़ के नाम लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं 10 डिग्रीज ये है, और इनसे ज़्यादा दिल्ली और अहमदाबाद में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसके टेम्परेचर ज़्यादा हैं वो सिटी है दिल्ली, और सेकेंड वन है हमारा अहमदाबाद। तो ये दो जो सिटी हैं इनके नाम यहाँ पे हमने बता दिए हैं। तो यही हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और देखते हैं कि किस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स लाइन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ये चीज़ हमें बतानी है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर्स टू राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर कौन किसके राइट में है ये हमें बताना है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर ए के बारे में बात कर लेते हैं। 2 और 9 दो चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 9 है वो बिल्कुल राइट में है 2 के, जो 9 है बिल्कुल 2 के राइट में, क्योंकि नंबर लाइन अगर इस तरीके से होगी तो आपको पता है कि इस तरीके से नंबर आते हैं 1 फिर 2 फिर 3। तो जो 2 के बाद में ही तो 9 होगा हमारा, 2 के राइट में ही तो 9 है हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 जो है 2 के राइट में, तो 9 इज राइट 2, 9 जो है बिल्कुल 2 के राइट में। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात कर लेते हैं कि -3 और -8 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि -3 जो है, -3 इज राइट 2 -8, -8 के राइट में हो गई हमारा -3।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। द जीरो इज राइट टू माइनस वन, माइनस वन के बिल्कुल राइट में जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर डी में देख लेते हैं, माइनस इलेवन और टेन दिया हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो टेन है वो बिल्कुल राइट होगा माइनस इलेवन के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इज राइट टू माइनस इलेवन, माइनस इलेवन के बाद ही होगा हमारा टेन, यानी कि राइट साइड में ही होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर ई के बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे माइनस सिक्स दिया हुआ है और सिक्स दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं सिक्स इज राइट टू द माइनस सिक्स। तो हम लिख सकते हैं सिक्स इज राइट टू माइनस सिक्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर एफ के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है वन और माइनस का 100। तो आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली यहाँ पे जो वन है वो राइट में होगा, वन इज राइट टू -100, -100 के राइट में ही होगा वन हमारा। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है क्वेश्चन नंबर सिक्स को। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, उसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेवन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं जीरो और माइनस सेवन के बीच में, उन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखना है। इसी तरीके से माइनस फोर और फोर के बीच में, माइनस एट और फिफ्टीन के बीच में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको छोटे नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद आपको बड़े नंबर्स, और इसी तरीके से इंक्रीज करते जाना है इन ऑर्डर्स को। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें हम, तो इनको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जीरो और माइनस सेवन के बीच के नंबर्स को, कि आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माइनस का सिक्स, जो कि पहले तो सेवन, माइनस का सेवन तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपके आपके पास, तो माइनस सेवन के बाद हम लिखेंगे माइनस का सिक्स, माइनस सिक्स के बाद हम माइनस का फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन एंड जीरो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे माइनस फोर दिया हुआ है, तो माइनस फोर लिख लेंगे हम। माइनस फोर के बाद जो इसके मिडिल में नंबर्स जब हमें लिखने हैं इनके बीच के नंबर्स, तो लिख देंगे माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करें तो माइनस एट दिया हुआ है और माइनस का फिफ्टीन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो माइनस फिफ्टीन हमारे पास नंबर होगा, और माइनस फिफ्टीन के बाद माइनस का फोर्टीन, थर्टीन, माइनस का ट्वेल्व, माइनस का इलेवन, माइनस का टेन, माइनस का फिर नाइन और माइनस का एट। इस तरीके से इनके बिटवीन के जितने भी नंबर्स हैं वो हमने लिख लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर डी के बारे में अगर बात करें तो -30 से लेकर के -23 के बीच के नंबर्स लिखने हैं, यानी कि माइनस का 30 हो गया तो 29, 28 माइनस का 27, माइनस का 26, माइनस का 25, फिर माइनस का 24, फिर माइनस का 23। तो ये होगा बिटवीन जितने भी पेयर्स थे इनके बीच में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को लिख लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट के बारे में और उसे देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट को जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि फोर निगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो बड़े होने चाहिए -20 से। तो -20 से बड़े नंबर्स हमें लिखने हैं, यानी कि -20 से बड़े इंटीजर्स हम लिख सकते हैं फोर। तो वो हमारे कुछ इस तरीके से होंगे, माइनस के 19, माइनस का 18 होगा, माइनस का 17 हो जाएगा और माइनस का 16 होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी के बारे में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे भी फोर नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो कि कम होने चाहिए माइनस के 10 से। तो माइनस के 10 से जो कम होंगे वो होंगे हमारे माइनस के 11, माइनस के 12, माइनस के 13,
माइनस का 14, ये इससे कम है और यहाँ पे हमें ग्रेटर बताने थे, -20 से बड़े नंबर्स, तो -19, -18 ये सारे के सारे बड़े नंबर हैं, और छोटे नंबर्स की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, -11, 12, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देख पा रहे हैं -8 इज टू द राइट ऑफ -10, क्या इसके ये राइट में है क्या? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल ये इसके राइट में है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए -100 इज राइट टू द -50 ऑन द नंबर लाइंस, नहीं ये बिल्कुल लेफ्ट में है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, नहीं स्मॉलेस्ट इंटीजर ये है ही नहीं -1, क्योंकि इससे भी बड़े नंबर्स हो सकते हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। और इसी तरीके से -26 इज लार्जर देन 25, नहीं ये बल्कि छोटा नंबर है, बड़ा नंबर हमारा -25 है, बल्कि स्टेटमेंट ये 101% गलत है, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, बात क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें दी गई हैं और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें ड्रॉ करना है नंबर्स लाइन, और नंबर लाइन को ड्रॉ करने के साथ साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ये बताना है कि आपको राइट मूव करना है -2 से 4 नंबर्स मूव करना है, आप कहाँ पे पहुँचेंगे इसे आपको बताना है नंबर्स लाइन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने के लिए सबसे पहले तो एक नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो हमने नंबर लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, और ये नंबर लाइन जैसे ही ड्रॉ हुई हमारे साथ, तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के साथ ही हमने देखा कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, और यहाँ पे सबसे पहले तो बिल्कुल बीचों बीच में हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ये होगा आपका 2, ये होगा आपका 3, और ये होगा आपका 4। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे -1, और इसी तरीके से यहाँ पे -2, और फिर -3, और फिर -4। देखिए -2 से हमें राइट साइड में 4 मूव करना है, 4 नंबर्स मूव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो -2 से एक नंबर मूव किया मैंने 1, फिर दूसरा मूव किया 2, तीसरा मूव किया 3 एंड 4 मूव किया, यानी कि हमने 1, 2, 3 और 4 मूव किया, तो हम कहाँ पे पहुँच गए, हम 2 पे पहुँच गए। यही हमें रिप्रेजेंट करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, जिसमें कि विच नंबर विल बी रीच इफ मूव 5 नंबर्स, 1 से हमें लेफ्ट मूव करना है 5 नंबर्स। तो चलिए इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है, और ये नंबर लाइन ड्रॉ करने के साथ ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल होंगे। देखिए ये नंबर लाइन बिल्कुल सीधी हमने ड्रॉ कर ली है, यस। अब जैसे ही नंबर लाइन हमारे पास आ चुकी है, हमें लेफ्ट साइड मूव करना, अभी तक हम राइट साइड मूव कर रहे थे, अब हमें लेफ्ट साइड मूव करना है, वो भी कहाँ से, 1 से। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा 0 है, और ये हमारा 1 है, और ये हमारा 2 है, और ये हमारा 3 है। इसी तरीके से ये हमारा -1, ये हमारा -2, -3, -4, -5 और ये -6। 1 से हमें राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड मूव करना है, वो भी 5। देखिए हम 5 मूव कर रहे हैं, तो ये 1 मूव किया हमने लेफ्ट साइड में, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, तो हम कहाँ पहुँच पा गए, हम 4 पे पहुँच गए, और यही चीज़ हमें रिप्रेजेंट करनी थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी के बारे में, और इसे देखते हैं समझते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं और क्या हमें सॉल्व करना है। इफ़ वी आर 8 -8 ऑन नंबर लाइन, अगर हम -8 पे हैं नंबर लाइन के ऊपर,
इन विच डायरेक्शन वी शुड मूव टू रीच -13। अब देखिए -8 यानी कि हम कुछ इसी तरीके से होंगे, तो हम लेफ्ट साइड अगर चलते जाएंगे तो हम -13 पे पहुंच जाएंगे। नोटिस अगेन, हम कह सकते हैं कि ऑन लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो हम -13 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है कि यदि हम -6 पे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि यदि हम -6 पे हैं, और देखिए जैसे मान लीजिए -6 पे हैं और आपको जाना है -1 पे, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 मूव करेंगे यानी कि राइट साइड में जब आप मूव करेंगे तो आप -1 पे पहुंच सकते हैं। तो आपको लिखना होगा ऑन राइट साइड, यानी कि अगर आप राइट साइड की तरफ चलते हैं तो आप -1 की तरफ जाएंगे। तो ये दिया हुआ था हमें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था जो कि 6.1 का लास्ट क्वेश्चन था। और आई होप कि ये वीडियो लेक्चर कम्प्लीटली आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।